लोगों ने फंक्शंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, अभी हम लोग कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, कल हमने क्या पढ़ाया था? फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस क्या होते हैं? इसको फलन भी बोलते हैं हिंदी में। तो फंक्शंस क्या होते हैं? टाइप ऑफ मशीन होते हैं, एक मशीन की तरह वर्क करते हैं। इसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। लेकिन सारे इनपुट अलाउड नहीं होते हैं फंक्शंस में, हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है? कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, वही ये फंक्शन प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक फंक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल रूट एक्स, स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने ले लिया, तो इसमें अगर हम 4 डालेंगे तो ये हमारा इनपुट हो गया 4। आउटपुट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अब अगर हम इसमें 0 डालें तो हमें 0 मिलेगा। तो ये दो इनपुट डालने पे हमें 2 और 0 आउटपुट मिल रहा है। बट अगर हम -1 डालेंगे तो -1 ये फंक्शन इस वैल्यू को -2 ले लो, -2 को अलाउ नहीं करता है, तो इसका कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। इस वैल्यू पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हर फंक्शन की अपनी एक इनपुट होती है, कुछ ही वैल्यूज़ होती हैं जो वो अलाउ करता है, ठीक है? तो वही वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ फंक्शंस अलाउ करता है उनको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और जो आउटपुट हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ये सब कल हमने पढ़ाया था। अब देख लेते हैं मैथमेटिकल, इसकी डेफिनेशन भी हमने बताई थी कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेशंस होते हैं, फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, बट सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते हैं। हमने बताया था कि ए क्रॉस बी इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट्स होते हैं वही हमारे रिलेशंस होते हैं। ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होते हैं वो हमारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है? तो जो रिलेशंस आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। बट सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते हैं। कुछ रिलेशंस जो होते हैं वो फंक्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो फंक्शन बन जाते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। सभी फलन क्या होते हैं? सभी फलन संबंध होते हैं, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। सभी फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेशंस होते हैं, बट सभी रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते हैं। मतलब कि सभी फलन क्या होते हैं? संबंध होते हैं, बट सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। क्लियर? इसको हमने एरो डायग्राम से भी समझा था कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो हमने इसकी दो कंडीशन बताई थी, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? कि जो हमारा फर्स्ट सेट है, ए सेट है, उसके सारे अवयव या फिर एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर एस ये हमारे बी सेट के एलिमेंट्स हैं। दो कंडीशन हमने क्या बताई थी? कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, मतलब कि इनमें से सब में से एरो निकल रहा होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। दूसरा हमने बताया था सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, किसी की भी डबल इमेज नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 की इमेज P भी है और 1 की इमेज Q भी है, यहाँ पर देखो तो 1 की इमेज P भी है, 1 की इमेज Q भी है। तो ये जो एरो डायग्राम है ये एक रिलेशन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये एक फंक्शन नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वन की दो इमेज है, दो प्रतिबिंब है, और हमारी कंडीशन क्या कहती है फंक्शन की, कि हर एलिमेंट की एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ये एरो डायग्राम से हमने समझा था कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो एरो डायग्राम से तो हम समझ लेंगे, एरो डायग्राम में एरोज होती हैं, तो हम देख लेंगे कि सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं कि नहीं है, सारे एलिमेंट्स की सिंगल इमेज है या नहीं है। तो एरो डायग्राम से हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कोई भी फंक्शन है या नहीं है। बट अगर हमें एरो डायग्राम किसी फंक्शन का नहीं दिया है तो हम कैसे बताएंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें एरो डायग्राम नहीं दिया होगा तो कोई फंक्शन दिया होगा वाई और एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो हम इनपुट डालते जाएंगे और आउटपुट पता करते जाएंगे और उसका एरो डायग्राम बना के देख लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई इनपुट डालें, क्या डालेंगे? टू डालें, एक्स को टू डालें। तो अगर हम एक्स की वैल्यू टू डालेंगे तो हमें वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? फोर। अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस टू डालेंगे तब वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? फोर मिलेगी। क्लियर, और बताओ, तो क्या ये फंक्शन है? अगर हम इसको प्लॉट करें, देखो, अब अगर हम एक्स की वैल्यू वन डालेंगे तब हमें वाई की वैल्यू वन मिलेगी, और एक्स की वैल्यू माइनस वन डालेंगे तब भी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? वन मिलेगी। तो अब हम इसका एरो डायग्राम अगर बनाएं तो हमारे इनपुट्स क्या हो जाएंगे? टू वन, लिख लो, वन माइनस वन, टू माइनस टू, ये इनपुट्स डाले हमने, एक्स की वैल्यूज ये डाली है, वाई की वैल्यूज हमें क्या क्या मिली है? वन टू थ्री फोर। तो वाई की हमें क्या वैल्यूज मिली है? वन और माइनस वन डाला था हमने तो हमें वन मिला था। क्लियर, और जब हमने टू और माइनस टू डाला था तो हमें फोर मिला था। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन की एक कंडीशन क्या होती है कि सारे एलिमेंट्स जो है वो मैप्ड होने चाहिए। यहाँ पर देखो सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं, हाँ है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। कैसी इमेज होनी चाहिए? सिंगल। बट देखो यहाँ पर वन और माइनस वन दोनों की सेम इमेज है, सेम है, कोई बात नहीं। क्या सिंगल इमेज है? सिंगल इमेज तो है, वन की एक इमेज है, माइनस वन की भी एक ही इमेज है। इमेज क्या है ये मैटर नहीं करता है, कितनी इमेज है ये मैटर करता है। तो टू की भी कितनी इमेज है? वन, और माइनस टू की कितनी इमेज है? वन। तो ये एक फंक्शन है। क्लियर, तो एरो डायग्राम से भी हम समझ गए, और ऐसे हमें कोई फंक्शन दिया होगा तो भी हम इनपुट और आउटपुट्स पुट करके पता कर लेंगे कि कोई फंक्शन है, कोई रिलेशन या नहीं है। अब हमारे पास एक टेस्ट आता है, क्या टेस्ट है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। खड़ी रेखा और वो टेस्ट, ठीक है। तो कोई भी, अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है? ग्राफ। उस पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अगर वो वर्टिकल लाइन किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, तो वो ग्राफ जिस भी फंक्शन का होगा, मतलब जिस भी रिलेशन का होगा, वो एक फंक्शन होगा। बट अगर वन से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है तो वो एक फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ये हमने सर्कल बना दिया, क्लियर। तो सर्कल पे अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो ये सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? दो पॉइंट्स पे। तो क्या सर्कल एक फंक्शन है? सर्कल की जो इक्वेशन होती है क्या वो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि सिंगल पॉइंट पे कट करना चाहिए। कितने पॉइंट्स पे? सिंगल पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो एक फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक कर्व रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? कर्व। क्लियर, तो अगर हमने सर्कल लिया है तो हम अगर इलिप्स भी ड्रॉ करेंगे, अगर हम इलिप्स भी ड्रॉ करेंगे तब भी हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कि इलिप्स भी एक फंक्शन नहीं है। और देख लो, चलो साइन एक्स का बनाते हैं, ठीक है। Thank you.
ये साइन एक्स का ग्राफ है, इस पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, कहीं पर भी, सब जगह क्या, किस पॉइंट पे, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। तो क्या साइन एक्स एक फंक्शन है? यस, इट इज़ अ फंक्शन। तो साइन एक्स भी फंक्शन है, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो वर्टिकल लाइन सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगी। और देखो पैराबोला, देखो ये वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ये क्या है? ये पैराबोला का ग्राफ है, राइट से राइट वाला, राइट पैराबोला है ये, राइट पैराबोला, इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करो। क्या हुआ? दो पॉइंट्स पर कट कर रही है वर्टिकल लाइन, तो ये फंक्शन नहीं है। और इसका इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म की होती है पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये राइट वर्ड है, वैसे अगर हम बोलें लेफ्ट वर्ड अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला पैराबोला ले, तो राइटवर्ड पैराबोला जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है। बट अगर हम अपवर्ड पैराबोला ले और इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो ये क्या है? फंक्शन है, क्योंकि ये सिंगल लाइन पर, सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, अगर हम इसमें यहाँ पर फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दें और दोनों साइड स्क्वायर कर लें, स्क्वायर रूट कर लें, पहले तो यहाँ पर देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं इसमें हम, रियल नंबर्स, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर्स हो, चाहे डेसिमल्स हो, चाहे जीरो हो, सब कुछ पुट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये पूरे में बनता है, क्लियर। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, इसको नहीं, रुको, अब दूसरा फंक्शन ही ले ले रहे हैं, स्क्वायर रूट 4x, ये हमने ले लिया है। तो स्क्वायर रूट 4x वाई स्क्वायर, कुछ गड़बड़ किया, वाई स्क्वायर होगा। अच्छा इसको छोड़ो तुम लोग, राइटवर्ड पैराबोला हमने बनाया था, हमने क्या बनाया था, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी उसको बनाया था और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दे रहे हैं। ये पैराबोला को हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बना रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है, क्लियर। e^x एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके का आता है, एक्सपोनेंशियल होता है, बढ़ता है। तो अब इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, हर पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो e^x क्या एक फंक्शन है? यस, इट इज अ फंक्शन। और देखो सर्कल, अभी हमने देखा जो सर्कल होता है वो एक फंक्शन नहीं है। सर्कल हमने क्या देखा, सर्कल एक फंक्शन नहीं होता है। बट अब हम क्या करेंगे, हम ले ले रहे हमने सेमी सर्कल ले लिया, सर्कल हमने अभी बनाया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, टू पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन कट कर रही थी, तो सर्कल जो था वो एक फंक्शन नहीं था। अभी हमने क्या किया, सेमी सर्कल ले लिया, अब इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, सिंगल पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो सेमी सर्कल क्या फंक्शन है? यस, ये एक फंक्शन है, क्लियर। तो टेस्ट समझ में आ गया, एरो डायग्राम से हम पता कर सकते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है,
इनपुट्स डालकर पता कर सकते हैं, जो आउटपुट्स मिलेंगे उनको देख के पता कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के ग्राफ से पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो फोर टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के। वन वन एकाकी, ठीक है, वन वन ऑन टू, एंड आपका सेकेंड हो जाता है इनटू, सॉरी ऑन टू यहाँ नहीं लिखो, यहाँ मैनी वन आ जाएगा। एक वन वन होता है, एक मैनी वन होता है, और इनटू एंड ऑन टू, फोर टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। क्लियर। तो वन वन फंक्शन कौन से होते हैं, एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। तो वन वन फंक्शंस में क्या होता है, किसी भी दो एलिमेंट्स की या तीन एलिमेंट्स की, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सेम नहीं होनी चाहिए, जो प्रतिबिंब है वो सेम नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा अवयवों का प्रतिबिंब सेम नहीं होना चाहिए, किसी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट है ना, अलग है बाकी सबकी इमेज से, इसकी जो इमेज है वो बाकी सबकी इमेज से अलग है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन की दो कंडीशन होती है, कि सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं। सेकंड होती है कि सारे एलिमेंट्स की सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबकी, किसी की भी दो इमेज नहीं है, सबकी सिंगल सिंगल इमेज है, तो ये फंक्शन है। अब चेक करेंगे क्या ये वन वन है। तो वन वन क्या कहता है, किसी भी दो एलिमेंट्स की या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, सबकी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबकी इमेज क्या अलग अलग है, अलग अलग है। तो क्या है इसकी, ये क्या है, ए है ये। तो ए की इमेज डिस्टिंक्ट इमेज है अपनी खुद की, पी। बी की अपनी खुद की है, क्यू। ठीक है, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है। बट अगर हम दूसरा एरो डायग्राम्स बनाएं, सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है। सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए, मैप हैं, सारे एलिमेंट्स मैप हैं। सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, सबकी सिंगल इमेज है, ए की सिंगल इमेज है, ए की इमेज है टू, बी की सिंगल इमेज है टू, ठीक है, सी की भी एक इमेज है वन, एंड डी की भी एक इमेज है थ्री। तो सबकी इमेज सिंगल है और सारे एलिमेंट्स मैप्ड है, तो ये एक फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे क्या ये वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन क्या कहता है, किसी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ए और बी की इमेज सेम है, प्रतिबिंब सेम है टू, ए की इमेज भी टू है और बी की इमेज भी टू है। क्लियर। तो क्या ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन टू वन, वन टू वन, ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनी टू वन, मैनी एलिमेंट्स की इमेज वन है, एक ही इमेज है ज़्यादा एलिमेंट्स की। कल हमने एक एग्जांपल भी बताया था रामायण महाभारत का, कि रामायण जो है हमने देखा था कि फंक्शन नहीं होती है, और महाभारत जो होती है वो फंक्शन होती है। आज हम देखेंगे, देखो फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो रामायण में हमने क्या बताया था, दशरथ होते हैं, दशरथ होते हैं, दशरथ की कितनी वाइफ होती हैं,
सुमित्रा, कौशल्या, कैकई। तो दशरथ की तीन वाइफ्स होती हैं, तो एक ही एलिमेंट तीन लोगों से मैप्ड है। तो ये फंक्शन नहीं था, कल हमने देखा था ये फंक्शन नहीं था, क्योंकि फंक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, एवरी एलिमेंट शुड बी मैप्ड। तो ये मैप तो है, और एवरी एलिमेंट शुड हैव सिंगल इमेज, सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए बस। बट इसकी कितनी इमेजेस हैं, तीन, इसलिए फंक्शन नहीं था। फिर हमने क्या देखा था, महाभारत का एग्जाम्पल देखा था। महाभारत में क्या एग्जाम्पल देखा था हमने, लिया था भीम, अर्जुन, भीम अर्जुन चुप हो जाओ, भीम अर्जुन और कौन कौन था, अरे यार भुला दिया हमको, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ठीक है। तो ये थे, ये द्रौपदी से मैप्ड थे। महाभारत में द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स थे, क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये ए सेट हो गया हमारा और ये बी सेट। तो फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए। सारे एलिमेंट्स ए सेट के मैप्ड है, सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। इमेज क्या है ये मैटर नहीं करता है, कितनी इमेज है सबकी वो मैटर करता है। तो भीम की कितनी इमेज है, एक ही है। अर्जुन की कितनी है, एक है। नकुल की कितनी है, एक है। सहदेव की और युधिष्ठिर की भी एक एक इमेज है। अब हमें चेक करना है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि मैनी वन फंक्शन है कि वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं चलेगी, सबकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। और मैनी वन में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज होती है। तो बताओ ये वन वन फंक्शन है कि मैनी वन, मैनी वन है। क्या है, मैनी वन। देखो 5 एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, क्लियर। 5 एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, सेम इमेज है। वन वन में सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, क्लियर। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन से फंक्शंस मैनी वन होते हैं और कौन से वन वन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1-1, 3-3, ये ए सेट है, 1-4, 1-4, 9 और 16, और ये बी सेट है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। तो 1 और -1 की मैपिंग 1 के साथ हो रही है, 3 और -3 की मैपिंग 9 के साथ हो रही है। अब पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स मैप्ड है, हैं। सबकी सिंगल सिंगल इमेज है, है। 1 की सिंगल इमेज 1, -1 की सिंगल इमेज 1, 3 की सिंगल इमेज 9 एंड -3 की सिंगल इमेज 9। अब हमें चेक करना है कि ये मैनी वन फंक्शन है कि वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन क्या कहता है, किसी की भी इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर देखो 1 और -1 की इमेज सेम है और 3 और -3 की इमेज सेम है, तो ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा वो भी देख, चलो दूसरा बना देंगे। तो मैनी वन और वन वन समझ में आ गया, वन वन और मैनी वन समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं ऑन टू एंड इन टू। यही वाला ले लेते हैं एग्जांपल, यही एग्जांपल देखें। अब वन वन ऑन टू और इन टू में किसका रोल होता है, कोडोमेन और रेंज का, कोडोमेन और रेंज का। उससे पहले हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है एरो डायग्राम से। तो इसकी मैपिंग किसके साथ थी, इसके साथ थी, और इसकी मैपिंग किसके साथ थी, इसके साथ थी, क्लियर। तो
डोमेन क्या होता है? फंक्शंस के केस में जो फर्स्ट सेट होता है वही डोमेन होता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही होती है। रिलेशन में ये पूरा सेट डोमेन नहीं होता है। जिन एलिमेंट्स की मैपिंग होती है सिर्फ वही डोमेन के अंदर आते हैं इन केस ऑफ रिलेशन। बट फंक्शन में क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं तो पूरा ए सेट आ जाता है डोमेन के अंदर। तो डोमेन क्या होता है? इनपुट जो हम फंक्शन के अंदर डाल रहे होते हैं, जो फंक्शन के अंदर इनपुट करते हैं, तो जो वैल्यूज़ इनपुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन में क्या आ जाएगा? 1, -1, 3 और -3, पूरा सेट ए आ जाएगा। रेंज क्या होता है? जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है, सेट बी के जो एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं वो रेंज में आते हैं। तो रेंज देखो क्या आ जाएगा? 1 और 9 जो एलिमेंट्स मैप्ड हैं, जिनकी मैपिंग है, जो आउटपुट में हमें मिल रहे हैं। 4 और 16 आउटपुट में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये रेंज के अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर पूरा बी सेट आ जाता है, आइदर दे आर मैप्ड और नॉट। अगर उनकी मैपिंग है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कोडोमेन के अंदर आ जाएंगे। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं ऑन टू और इन टू क्या होता है। ऑन टू क्या होता है? जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है, जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है तो उस केस में फंक्शन किस टाइप का होता है? ऑन टू होता है। अब रेंज कोडोमेन के इक्वल मतलब कि बी सेट के सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। ऑन टू के केस में बी सेट के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? आउटपुट बन जाएंगे। सारे एलिमेंट्स आउटपुट बन जाएंगे तो कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा। तो ऑन टू के केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं, ठीक है। और इन टू के केस में क्या होता है? ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होती है इन टू के केस में। तो ये फंक्शन बताओ कौन सा है, ऑन टू है कि इन टू है? इन टू है, ठीक है, क्योंकि 1 की मैपिंग है, 9 की मैपिंग है, बट 4 और 16 की मैपिंग नहीं है। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? इसकी रेंज आएगी 1, 9, ठीक है। और इसकी कोडोमेन कितना आ जाएगा? कोडोमेन आ जाएगा 1, 4, 9 और 16। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस हुआ? इन टू का। तो ये फंक्शन कैसा है? इन टू है। क्लियर। अब ऑन टू का एक देख लेते हैं, ऑन टू का एक एग्जांपल देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर, क्लियर। पी क्यू आर एस। सो क्या करेंगे हम लोग? ये बताओ पहले तो कि क्या फंक्शन है ये? सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं, सबकी सिंगल इमेज है, ये फंक्शन है। अब बताना है हमको कि ये ऑन टू है कि इन टू है। क्या बी सेट के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं? हैं। तो रेंज कोडोमेन की इक्वल हो जाएगी। इसकी अगर हम रेंज लिखेंगे, इसको इरेज कर देते वरना कन्फ्यूजन होगा। तो इस फंक्शन की अगर हम रेंज लिखेंगे तो क्या आएगी? पी क्यू आर। इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे तो क्या आएगा? पी क्यू आर। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। क्लियर। अच्छा ये फंक्शन ऑन टू है, बट ये बताओ 1, 1 है कि मैनी 1 है? मैनी 1 है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1, 1, अरे मैनी 1 एंड ऑन टू।
मैनी वन एंड ऑन टू। और देखो पी क्यू आर एस 1 2 3 4। चलो बताओ ये वन वन है कि ऑन टू है? अरे सॉरी, ऑन टू है कि इन टू है? ऑन टू है, सारे एलिमेंट्स मैप्ड है ना। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सारे एलिमेंट्स मैप्ड है। इसका अगर हम रेंज का सेट लिखेंगे तो भी क्या आएगा 1 2 3 4, और कोडोमेन का सेट लिखेंगे तब भी क्या आएगा 1 2 3 4। तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू है। आप बताओ ये वन वन है कि मैनी वन है? वन वन है। तो ये पूरा ओवरऑल कैसा फंक्शन हो गया? वन वन एंड ऑन टू। तो ये वन वन और ऑन टू फंक्शन, क्लियर? तो इसके आगे का हम लोग लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्लियर?